भागलपुर में कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए भागलपुर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच दुर्गा पूजा और चेहल्लुम ने प्रशासन की बेचैनी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में कोतवाली थाना परिसर से भागलपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरी। फ्लैग मार्च शनिवार को भी शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी थी। वहीं एक ओर जहां लगातार फ्लैग मार्च से आम लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत हो रहा है, वहीं अपराधियों और हुड़दंगियों की फ्लैग मार्च से सहमत आ गई है। विधानसभा चुनाव 2020 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए भागलपुर में दो फेजेस में संपन्न होना है, 28 अक्टूबर तथा 3 नवंबर को, और उसको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इसी के तहत आज पूरे ज़िले में विभिन्न स्थलों पे फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे भागलपुर पुलिस के पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं, और साथ ही साथ जो हमारे सिटी में जो हमें उपलब्ध हुआ है बीएसएफ के जवान हैं, वो भी इसमें शामिल है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो शहर में जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर पुलिस बल का मूवमेंट कराया जाए, ताकि अपराधियों में खौफ हो और जो आम जनता है उनमें विश्वास जगे। और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि जो अपने मताधिकार है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। कहाँ कहाँ इनकी तैनाती होनी है? सीपीएमएफ की तैनाती सभी बूथों पे की जाएगी। अभी जो हम लोग को सीपीएमएफ मिला है वो 8 कंपनी हम लोग को सीपीएमएफ मिला है, और वो विभिन्न स्थलों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में उसको रखा गया है, और लेकिन सभी बूथों पर तैनाती स्टैटिक तरह से तैनाती रहेगी, और साथ ही साथ कुछ उनको पेट्रोलिंग में भी जाएंगे। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवाकर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।